स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हिंदुस्तान की गोद में बसा राज्य मध्य प्रदेश वैसे तो अपनी अनेक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। मानव इतिहास के प्रारंभ की कहानियां सुनाती बिंब एकता की गुफाएं, अध्यात्म और अलौकिकता से मंत्रमुग्ध कर देने वाले उज्जैन और खजुराहो के मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते कान्हा और पन्ना जैसे नेशनल पार्क्स और भी बहुत कुछ। इस राज्य की ऐसी ही अनेक विशेषताएं इसे देश के टॉप मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट्स में से एक बनाती है। नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस की ही तरह इस राज्य का इतिहास और यहां से जुड़ी कहानियां भी बड़ी दिलचस्प और मजेदार हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां मध्य प्रदेश में मौजूद चंबल के इलाकों से भी जुड़ी है। दोस्तों, वैसे तो चंबल मध्य प्रदेश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जो श्योपुर, मुरैना और भिंड डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है। वहीं इस इलाके से बहने वाली यमुना की एक सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी को भी चंबल कहा जाता है। लेकिन फिर भी चंबल का नाम सुनकर हमारे दिलो दिमाग में दो ही शब्द आते हैं, एक चंबल का बीहड़ और दूसरा चंबल के डाकू। हिंदुस्तान में डाकुओं का इतिहास ब्रिटिश काल से भी पुराना है। हालांकि उन दिनों डाकुओं को समाज में नोटोरियस क्रिमिनल नहीं बल्कि रॉबिनहुड की इमेज से देखा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के ज्यादातर डाकुओं ने लूटपाट करने की बजाय ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और उनके अत्याचारों से लोहा लेने के लिए हथियार उठाया था। उस दौरान इस तरह हथियार उठाने वाले लोगों में डाकू मलंगी, सुल्ताना डाकू, तांतिया भील जैसे अनेक नाम शामिल हैं, जो ब्रिटिशर्स के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल्स थे जिन्हें वो कानून का भक्षक मानते थे। लेकिन आम जनता के लिए यही डाकू ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्संस थे जिन्हें वो समाज के रक्षक का दर्जा देते थे। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद डाकुओं से जुड़ा एक अलग पहलू, एक अलग सोच समाज में देखने को मिली। जहां आजादी के बाद देश में कुछ ऐसे डाकू भी हुए जिनके हथियार उठाने का उद्देश्य जनता की रक्षा नहीं बल्कि उनको लूटना था। यही वजह थी कि आज हमारे देश में डाकू शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में किया जाता है। तो हम आज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के जिस डाकू की बात करने वाले हैं उसे लेकर आम जनता के बीच मत विभाजन यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और ऐसा आखिर हो भी क्यों ना। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी समय देश की रक्षा करने वाला एक इंडियन आर्मी का सिपाही आगे चलकर बीहड़ के डाकुओं का सूबेदार बन गया तो शायद आप भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो 7 सालों तक नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन बनकर अपने प्रतिद्वंदियों को ट्रैक पर हराता रहा वो आगे चलकर चंबल के बीहड़ों में पुलिस से आंख मिचोली खेलने को मजबूर हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर, नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन और चंबल के फेमस डकैत पान सिंह तोमर की। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम पान सिंह तोमर की कहानी से जुड़े इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जहां हम देखेंगे कि क्यों, कैसे और किस लिए इंडिया का एक नेशनल लेवल खिलाड़ी बीहड़ का खूंखार डकैत बन गया, आखिर किन हालातों से हारकर पान सिंह तोमर ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे और क्या उन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है, और किस तरह एक नेशनल चैंपियन की कहानी का अंत पुलिस की गोली से हुआ, क्या उसको टाला जा सकता था। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS4 के केस स्टडी सेक्शन के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कभी यूपीएससी के एग्जाम से नजदीकियां रही हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। पर आप सोच रहे होंगे सर की तैयारी तो हम सब भी करना चाहते हैं पर हमारे सपनों के पंखों को इस एग्जाम की तैयारी की महंगी फीस काट देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पंखों के काटे जाने की कहानी आखिरी साल तक थी, क्योंकि स्टडी आईक्यू ने आपकी इस तैयारी को नए पंख देने का प्रण लिया है। क्योंकि स्टडी आईक्यू आपके लिए सुपर लर्निंग डे सेल्स लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप इस देश के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैचेस को मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इसकी स्टार्टिंग 30th of November मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इन फाउंडेशनल बैचेस में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फाउंडेशनल बैचेस के अलावा दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस भी सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी भी जानने वाले दोस्त ने या फिर भाई बहन ने यूपीएससी का सपना देखा है तो सपने को पंख देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो पान सिंह तोमर का जन्म 1st of January 1932 को ग्वालियर प्रिंसली स्टेट के एक छोटे से गाँव भिड़ोसा में हुआ था। पान सिंह के पिता का नाम ईश्वरी सिंह था जो अपने पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। ये जमीन उन्हें अपने पिता से बंटवारे में मिली थी।
ईश्वरी सिंह के पिता यानी पान सिंह के दादाजी ने दो शादियां की थी। पहली बीवी से उन्हें ईश्वरी सिंह और दूसरी बीवी से उन्हें दयाराम नाम के बेटे हुए थे। दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी इस खानदानी जमीन का बंटवारा हो गया और जो जमीन ईश्वरी सिंह के हिस्से में गई थी उससे पूरे परिवार का जीवन यापन कर पाना बहुत कठिन था। कहा जाता है कि उस दौरान भिड़ौसा गांव के लोगों के लिए जीवन यापन यानी लाइवलीहुड के सिर्फ दो ही साधन उपलब्ध थे। नंबर एक, या तो किसी जमीन पर किसान का काम कर लो या फिर नंबर दो, सेना में भर्ती हो जाओ। पान सिंह जानते थे कि जो जमीन उनके पास है उससे परिवार की आर्थिक तकलीफों का निवारण नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्होंने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना और वो सेना में भर्ती हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब पान सिंह तोमर सेना भर्ती में इंटरव्यू के लिए गए तो उनका भिड़ौसा से बिलोंग करना कुछ आर्मी ऑफिशियल्स को पसंद नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों भिड़ौसा और उसके आसपास के इलाके डकैतों और अपराधियों से भरे पड़े थे और आम जनता इन लोगों को डकैत नहीं बल्कि बाघी मानती थी। ऐसे बाघी जिन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सरकार या प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों से परेशान होकर हथियार उठाए हैं। आर्मी ऑफिशियल्स को डाउट था कि कहीं पान सिंह भी इस तरह की सोच तो नहीं रखते। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर आर्मी ऑफिशियल्स उन्हें किस आधार पर सेना में भर्ती करें तो पान सिंह ने जवाब दिया कि मैं बड़े साहब से मिले हर आदेश की पालना करूंगा, चाहे उस आदेश की पालना करते हुए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आर्मी ऑफिशियल्स को पान सिंह की ये बात बड़ी पसंद आई क्योंकि एक सोल्जर का बिना किसी सवाल जवाब के अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करना आर्मी डिसिप्लिन का की फीचर होता है। आखिरकार साल 1948 में पान सिंह को राजपुताना राइफल्स में सोल्जर के रूप में रिक्रूट कर लिया गया। जल्द ही पान सिंह तोमर की एबिलिटीज को देखते हुए उन्हें प्रमोट कर दिया गया और अब वो रुड़की में तैनात बीईजी यानी बंगाल इंजीनियर्स रेजिमेंट के वारंट ऑफिसर यानी सूबेदार के तौर पर कमीशन हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज यानी जीवन अनंत संभावनाओं से भरा होता है। कब, कहां और क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ पान सिंह तोमर के साथ भी हुआ जब वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद ड्यूटी पर पहले दिन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। कहा जाता है कि ड्यूटी पर अपने पहले ही दिन किसी वजह से पान सिंह तोमर थोड़ी देरी से गए, इसके चलते उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें टाइम डिसिप्लिन सिखाने के लिए पनिश किया। पनिशमेंट थी आर्मी ग्राउंड के 20 चक्कर लगाना। बस फिर क्या था, इधर इंस्ट्रक्टर ने कहा दौड़ो और उधर पान सिंह ने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन शायद पान सिंह तोमर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ग्राउंड के ये 20 राउंड उनकी लाइफ को रिवॉल्यूशनराइज करने वाले हैं। पान सिंह को दौड़ते देख स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर सरवन सिंह ने उनके अंदर छुपे हिडन टैलेंट को पहचान लिया। सरवन सिंह खुद 1954 एशियन गेम्स 110 मीटर हर्डल रेस के गोल्ड मेडलिस्ट थे और उस दरमिया बीजी में पोस्टेड थे। बस फिर क्या था, सोल्जर पान सिंह तोमर बन गया स्प्रिंटर पान सिंह तोमर। अपनी स्पोर्ट्स जर्नी की शुरुआत में पान सिंह तोमर शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस किया करते थे जैसे 400 या 800 मीटर्स, लेकिन सरवन सिंह और ग्रुप कोच नरेंजन सिंह के कहने पर उन्होंने 3000 मीटर्स स्टीपल चेस दौड़ने का फैसला किया। दोस्तों, बहुत छोटे से समय में अपनी मेहनत और लगन से पान सिंह तोमर ने नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में एक अलग पहचान बना ली थी। एक के बाद एक कॉम्पिटिशन में जीतकर पान सिंह ने 88 डोमेस्टिक मेडल्स अपने नाम किए। इसी दरमियान वो 7 बार नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन भी बने। लेकिन 1958 नेशनल गेम्स में जो कारनामा पान सिंह ने कर दिखाया उसने उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1958 नेशनल गेम्स में सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेस को 9 मिनट 12 सेकंड्स में कंप्लीट कर न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेटअप किया। पान सिंह के इस रिकॉर्ड को एक डिकेड से भी ज्यादा समय तक देश का कोई दूसरा धावक नहीं तोड़ पाया। इस रिकॉर्ड ने पान सिंह तोमर को आर्मी और देश के दूसरे स्प्रिंटर्स के बीच एक सेंसेशन बना दिया। कहा जाता है कि आर्मी यूनिट में पान सिंह एक रनिंग आइकन कंसीडर किए जाते थे। यहां तक कि हॉस्टल वार्डन नए एथलीट्स को मोटिवेट करने और सुबह जल्दी उठने के लिए अक्सर ये कहा करते थे कि उठो उठो, तुम अभी तक सो रहे हो। पान सिंह साहब तो सहारनपुर से दौड़कर आ भी गए। दरअसल सहारनपुर रुड़की आर्मी यूनिट बेस से 45 किलोमीटर दूर बसा एक गांव था जहां अक्सर पान सिंह तोमर दौड़ते हुए चले जाया करते थे। उन दिनों पान सिंह की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्लाइंग सिख नाम के मशहूर और पान सिंह के कंटेम्प्रेरी रहे मिल्खा सिंह भी पान सिंह को एक गॉड गिफ्टेड रनर कंसीडर किया करते थे। यही वजह थी कि 1958 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में पान सिंह तोमर को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। हालांकि उस ओलंपिक में वो मेडल नहीं जीत पाए, जबकि उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना था कि पान सिंह तोमर 1958 ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले प्रबल दावेदारों में से एक थे। कहा जाता है कि उस वक्त देश में मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी की बहुत कमी थी।
वही वजह थी कि पान सिंह तोमर ने लंबे समय तक बिना स्पाइक्स वाले शूज में रनिंग की। टोक्यो ओलंपिक से ठीक दो दिन पहले उन्हें बताया गया कि रेस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें स्पाइक शूज में ही दौड़ना पड़ेगा और इसी वजह से वो उस रेस को हार गए। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब पान सिंह तोमर हिंदुस्तान आए तो देश में युद्ध का माहौल था, पहले 1962 में चाइना के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। ऐसा कहा जाता है कि पान सिंह तोमर देश की रक्षा करने के लिए युद्ध में जाना चाहते थे। जिस तरह एक स्प्रिंटर बनके उन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उसी तरह एक डिफेंडर बनके वो देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेजर होने की वजह से उन्हें इन दोनों युद्ध में लड़ने का मौका नहीं दिया गया। बहरहाल साल 1977 में उन्होंने कुछ निजी कारणों के चलते आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया और अपने गाँव भिड़ौसा लौट गए, जहाँ एक नई चुनौती, एक नया हर्डल उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद फिर से एक आम जिंदगी जीने के मकसद से वो अपने गांव लौट आए। गांव आने पर पान सिंह को पता चला कि उनके बड़े भाई माता दीन ने पान सिंह के हिस्से की जमीन बगैर उनकी मर्जी के भिड़ौसा के बाहुबली और पान के कजन भाई बब्बू सिंह के पास गिरवी रख दी है। इस मुद्दे को लेकर पान सिंह और बब्बू सिंह के बीच डिस्प्यूट शुरू हो गया। जब मामला बातचीत से नहीं सुलझा तो पान सिंह ने कानून का सहारा लेने की कोशिश की। पुलिस, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट पान सिंह ने एक के बाद एक हर उस सरकारी दरवाजे पर दस्तक दी जहां से मदद की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच पान सिंह की इन नाकाम कोशिशों से नाराज होकर बब्बू सिंह अपने भाई जंदेल सिंह और कुछ दूसरे लोगों के साथ पान सिंह के घर पहुंच गया, जहां उसने पान सिंह की 95 ईयर ओल्ड माँ को बंदूक के बट से मार मार कर घायल कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त चाहे चंबल में लोगों के बीच कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन कभी भी किसी ने किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया था। जब पान सिंह अपने घर पहुंचे तो उनकी माँ ने उन्हें इस अपमान का बदला लेने को कहा और बदले की आग में झुलस रहे पान सिंह ने बब्बू सिंह, जंदेल सिंह और हवलदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर एक, कि क्या इस पूरे घटनाक्रम को होने से रोका जा सकता था? दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि शायद अगर पान सिंह जिस मदद की गुहार प्रशासन से लगा रहे थे वो उन्हें समय रहते मिल जाती तो ये पूरा वाक्या कभी घटित ही ना होता। शायद उन पुलिस ऑफिसर्स या कलेक्टर्स में से किसी ने भी अपना काम पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से किया होता तो शायद इस मसले को समय रहते सुलझाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, यहीं से हमारा सवाल नंबर दो भी निकलता है, क्या इस तरह प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकारी मदद न मिल पाने पर हथियार उठा लेना सही है? दोस्तों, ये बात सही है कि कभी कभी जीवन में हालात हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हालातों से हार मानकर हर कोई हथियार उठा ले। अगर ऐसा हुआ तो ये समाज, ये देश पूरी तरह अराजकता और अनुशासनहीनता से भर जाएगा। अगर सब अपने हक के लिए इसी तरह खून की होली खेलने लगे तो कैसे हम एक सभ्य समाज की स्थापना कर पाएंगे? बहरहाल, इस हत्याकांड के बाद पान सिंह तोमर ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुद को बीहड़ का बागी घोषित कर दिया। अब वो इलाके के रसूखदार यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों को लूटने लगे। एक के बाद एक पान सिंह एंड गैंग ने लूट, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन की कई वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन 1977 में स्पावा पावता गांव में जो हुआ उसने पान सिंह के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए एक कालिक पोत दी। दरअसल इसी साल पान सिंह के बड़े भाई मातादीन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। पान सिंह को शक था कि मातादीन के बारे में पुलिस को जानकारी पावा गांव के गुज्जर समुदाय के कुछ लोगों ने दी थी। इसी के चलते पान सिंह तोमर गैंग ने पावा गांव के 9 गुज्जर लोगों को गोली मार दी थी। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में पान सिंह का कहना था कि वो इन लोगों को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन वो अपने भतीजे और मातादीन के बेटे को रोक नहीं पाए। इसी हत्याकांड के बाद पान सिंह तोमर मध्य प्रदेश पुलिस के हिटलिस्ट में टॉप पर आ गए। यहाँ तक कि उस वक्त एमपी के चीफ मिनिस्टर रहे अर्जुन सिंह ने कहा था कि वो दिवाली पर दिए तब तक नहीं जलाएंगे जब तक पान सिंह तोमर पकड़ा नहीं जाता। इसके बाद पान सिंह गिरोह की तलाश तेज हो गई। 1 अक्टूबर 1981 को एमपी पुलिस को खबर मिली कि पान सिंह तोमर अपने कुछ साथियों के साथ रथिया का पुरा नाम के गाँव में छुपा हुआ है। जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और गांव को चारों तरफ से घेर लिया। 12 घंटों तक चली गोलीबारी के बाद पान सिंह को मार गिराया गया और चंबल के एक और डकैत की कहानी किताबों की दास्तां बनकर रह गई। तो सही बात बिल्कुल सही है कि हमारे सरकारी दफ्तरों में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना काम ठीक से या कानून के दायरे में रहकर नहीं करते हैं। ऐसे कुछ चंद सरकारी मुलजिमों की वजह से कई लोगों को वक्त पर इंसाफ नहीं मिल पाता और इनकी वजह से पूरे सिस्टम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंसाफ की तलाश का जो रास्ता पान सिंह तोमर ने चुना वो भी जायज नहीं था, क्योंकि अगर आप अपने इंसाफ के लिए किसी गुनहगार की भी हत्या कर रहे हैं तो फिर ये उस व्यक्ति के परिवार, उसके माता पिता, उसके बीवी बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी।
किसी को सजा देने का हक सिर्फ कानून को है और हम सभी को अपने कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना होगा। हाँ, ये बात सच है कि कानून व्यवस्था पे सवाल उठाना, उसको लगातार संशोधित करना, उसको लगातार बेहतर करना हमारे हक में है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ले लेना एक स्केलेबल सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के रिलेवेंस को देखते हुए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वो सवाल है, assuming that you are the DM of Ghaziabad, there is a clash between two families in your constituency regarding a disputed land. Family A has a stronger claim over the disputed land than family B. But lately, family A, being a powerful household who possesses two claimed weapons, starts to threaten family B by using them. Take necessary steps to resolve this issue by taking all the parties under consideration. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई affordable.